Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, who don't know me, my name is Neha. Currently, I'm pursuing my bachelor's from CSKS PKB Palampur. और मैं अभी second year agriculture student हूँ. So, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि hostlers के पास hostels के essentials क्या क्या होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि juniors आने वाले हैं, so उनके लिए ये वीडियो बन रही है. क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किए थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें उनकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाए. सो बात करते हैं. सबसे पहले इसेंशियल आपको ज़रूरत पड़ेगी मैट्रेस की. मैट्रेस में आपको पिल्लो, गद्दा, बेड शीट्स, क्विल्ट, ब्लैंकेट, ये सब लेके आना होगा. देन सेकेंड वन इज़ बकेट, स्टूल, बाथरूम इसेंशियल्स लाइक जग एंड अपना जो भी सामान होगा वो ले आना. देन डॉक्यूमेंट फाइल, जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट है उसकी अलग से फाइल ले आना, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी वगैरह तो अपने पास होनी चाहिए. देन उसके बाद हैंगर्स, बिकॉज एक अलमीरा प्रोवाइड की जाएगी, जो दो रूम जो टू पर्सन रूम होगा उसमें एक अलमीरा, और जो थ्री पर्सन रूम होगा उसमें एक अलमीरा और एक गोदरेज वाली भी मिलती है. एक अटैच होती है वॉल के साथ और एक गोदरेज वाली मिलती है, तो उसमें देख लेना अपने हिसाब से. और थ्री रूम में ये प्रॉब्लम रहती है जनरली कि वहाँ पे ना सामान नहीं आ पाता है, तो उसके लिए अगर तुम स्टोरेज बॉक्सेस ला सकते हो तो इट विल हेल्पफुल. ठीक है, देन ये हो गया. फिर हाँ, अपने कप प्लेट्स ला सकते हो. नो डाउट मैस में तुम्हें थाली, चम्मच, गिलास सब कुछ मिलेगा, बट ये अपने कंफर्ट के लिए. ठीक है, उसके बाद कर्टन्स इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो कर्टन है वो खुद से लेने पड़ते हैं. टू रूम में भी, थ्री रूम में भी, और रूम बड़े बड़े हैं, तो थ्री रूम में काफ़ी बड़े रूम हैं, तो बड़े बड़े कर्टन्स लाने पड़ेंगे. तो तुम कॉन्ट्री कर सकते हो, जो रूममेट्स बनेंगे वो कॉन्ट्री करके ले लेना. ठीक है, उसके बाद झाड़ू ऑप्शनल है. वैसे तो तुम वहाँ से भी ले सकते हो, हॉस्टल में होता है, अपना रूम खुद साफ करना होता है, तो झाड़ू घर से ला सकते हो तो ठीक है, नहीं ला सकते तो भी कोई बात नहीं है. ठीक है, उसके बाद वॉशिंग मशीन के लिए लिक्विड डिटर्जेंट ले आना, वो अच्छा रहेगा, पाउडर से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, उसके बाद स्टडी लैम्प ले आना, ये भी ऑप्शनल ही है, मतलब कोई यूज़ करता है तो ले आना, वैसे ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है इस बात. और उसके बाद है रोप, क्योंकि शंकर भवन में हॉस्टल में क्या है कि बालकनी नहीं है, तो रोप्स तुम्हारे को अपनी मतलब अपने रूम में अटैच करनी पड़ेगी. तो ना गर्ल हॉस्टल का पता है ना, क्योंकि वहाँ पे मैं रही हूँ, तो मेरे को बॉयज़ हॉस्टल का नहीं पता उतना. तो शंकर में क्या है कि तुम्हें बालकनी, मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे बालकनी नहीं है, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर में ही है, मतलब वहाँ पे रोप्स लगाई हुई हैं और उस पर कपड़े सुखाते हैं. तो लेकिन जैसे छोटे छोटे सॉक्स वगैरह आइटम्स होती है ना, तो उसको तुम अपने रूम में रख सकते हो, और फिर कभी बारिश हो जाती है तो फिर कपड़े उठा के कहाँ रखोगे, तो फिर रूम में ही अटैच करके लगाते हैं. ठीक है, उसके बाद क्लोथ क्लिप्स ले आना. ठीक है, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट लॉक ले आना. ठीक है, लॉक बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, और ना तीन चाबी वाला लाना, क्योंकि ऑब्वियसली तीन रूम मिलेंगे, मतलब तीन पर्सन रूम मिलेगा तुम्हें, तो फिर तीन चाबियाँ ले आना, सबके पास होना चाहिए. डस्टबिन ऑप्शनल है, वैसे बाहर होता है, बट देख लेना, डस्टबिन लाना होगा किसी को ले आना. अम्ब्रेला जरूर ले आना. यहाँ भी मिल जाता है, तुम बाय भी कर सकते हो, बट अनप्रेडिक्टेबल मौसम है, क्योंकि यहाँ का मौसम प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, कभी भी बारिश हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो अम्ब्रेला ले आना. ठीक है, लॉन्ड्री बैग्स इनकेस लाना हो किसी को तो ला सकता है, बट ऐसे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है. ठीक है, और LED बल्ब्स तुम्हें खुद बाय करने पड़ेंगे. जब तुम रूम में जाओगे तो वहाँ पे ना एक ट्यूबलाइट प्रोवाइड करते हैं ये लोग. ठीक है, थ्री रूम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि काफ़ी बड़े रूम है ना, तो उसमें ना तुम अपने लिए LED बल्ब ले आना. होल्डर्स तो लगे होते हैं, वो वर्किंग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो बस ये सब चीज़ें ले आना. जितना मेरे दिमाग में था उतना मैंने आप लोगों को बता दिया है. अगर आप लोगों की इससे थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो फिर बता देना, और कुछ क्वेरीज होगी तो कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगी. और आप सबको ऑल द बेस्ट. पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग इस यूनिवर्सिटी में एंटर करने वाले हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. दैट्स इट, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे. अगर कोई क्वेरी होगी तो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, एनीवेयर.
मैं आंसर कर दूंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो या फिर आपको लगा कि इससे आप लोगों की हेल्प हुई तो इसको थोड़ा बहुत शेयर कर देना, लाइक कमेंट कर देना.